अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी मोहम्मद आदिल। आज हम जिस लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहा जाता था, और आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन क्या है। सो वी यूज इट फॉर रिपीटेड एक्शन, यानी कि प्रेजेंट सिंपल को हम रिपीटेड एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब रिपीटेड एक्शन क्या हो सकते हैं? वो काम आप जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार 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 रिपीट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल शावर लेना, कपड़े चेंज करना, मोबाइल यूज़ करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना, आपका पढ़ना, आपका पढ़ाना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी डेली रूटीन से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, यही डेली रूटीन में रिपीटेड हो रही हैं। अच्छा, आपका करना लाजमी नहीं है, वो इसलिए कि आप इस काम को नहीं भी करेंगे तो कोई और करेगा। तो इन चीज़ों का कनेक्शन जो है रिपीटेड एक्शन से, और इस रिपीटेड एक्शन का डायरेक्ट ताल्लुक प्रेजेंट सिंपल से, क्योंकि वो प्रेजेंट सिंपल में हम पढ़ेंगे या फिर इस टेंस में हम वो चीज़ें रिपीट करेंगे, यानी कि ट्रांसलेट करेंगे, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिपीट होती रहती हैं बार बार। तो आइए, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो चले देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन क्या होती है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से? डू एंड डज। डू एंड डज को कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल डू आएगा आपका प्लूरल के लिए, और डज आएगा आपका सिंगुलर के लिए। अब सिंगुलर में कौन कौन आएंगे वो भी हम अभी डीपली पढ़ने वाले हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ रेज, सिंगुलर में आपके पास है ही, शी, इट और कोई भी एक नाम, एनी सिंगुलर नेम। और प्लूरल इसके अपोजिट है, उसमें आते हैं दे, वी, यू और एक से ज़्यादा नाम, यानी कि एनी टू नेम, ये आ जाएंगे आपके प्लूरल। यानी कि जो ये सब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्लूरल के लिए, जो ये सब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं ये है सिंगुलर के लिए। इन दोनों को हम प्रोनाउन भी कहते हैं, हमने प्रोनाउन में से पढ़ा भी है वैसे, और इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हम अगेन आगे बढ़ रहे हैं, और आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम डायरेक्ट इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं, और जुमले में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है हम वो अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन लिखी थी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डू एंड डस। तो इसके वैसे होते हैं चार टाइप्स प्रेजेंट सिंपल के, जिसमें हम जुमलों को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको याद हो कि हमने सेंटेंस में वही टाइप्स पढ़े थे, सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी सिंपल जुमले, जैसे आई स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोलता हूँ। वी ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। सिंपल से जुमले, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है। यही जुमले, यानी कि अफर्मेटिव के, यानी कि सिंपल जुमले, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे तो इनमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। जब भी यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही या फिर शी, तो वर्ब में हमेशा एस इंक्लूड किया जाता है। ये रूल है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी पुट एस विथ वर्ब। ठीक है, ये रूल आपको याद होना चाहिए। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव जुमलों में,
तो हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं उर्दू बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर सिंगुलर, इसी जुमले को अगर मैं सिंगुलर में बनाऊँ, ही स्पीक उर्दू होगा? बिल्कुल नहीं। रूल के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस आएगा, ही स्पीक्स उर्दू हो जाएगा। अगर इसी जुमले को मैं अगेन सिंगुलर में सब्जेक्ट ट्रांसलेट करूँ तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो क्या होगा इसमें? अगेन एस आ जाएगा। ही ईट नहीं, शी ईट नहीं, शी ईट्स हो जाएगा, शी ईट्स मैंगो, वो आम खाती है। तो ये इसमें एक रूल है, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा अफर्मेटिव जुमलों में तो वर्ब के साथ एस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप है नेगेटिव। देखो अफर्मेटिव में अगर आपने एक चीज नोट की हो तो अफर्मेटिव में हमने डू और डज यूज नहीं किया, क्योंकि डू और डज अब हम नेगेटिव में यूज करने वाले हैं। जब भी नेगेटिव बनता है तो डू और डज इस्तेमाल होते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बाकी जो तीन टाइप्स हैं उसमें ये चीजें यूज होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे अब कोई एस वगैरह का सिस्टम नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपली जो जिस तरह जुमला इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल उसी तरह हम पढ़ेंगे। जैसे आए तो आए का साथ डू आएगा। अच्छा ये मैं बता दूं, ये मैंने बता दिया है वैसे, डू सिंगुलर के साथ आएगा, डज सिंगुलर के साथ आएगा, डू प्लूरल के साथ। तो आए प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल जो है ना कंसिडर किया जाएगा। वैसे तो आए एक ही की बात कर रहा है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं ग्रामेटिकली, तो आए यहाँ पे सिंगुलर में इंक्लूड किया जा रहा है, सॉरी प्लूरल में इंक्लूड किया जा रहा है, दैट्स व्हाई वी पुट डू विद द आई। आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता। वी डू नॉट स्पीक उर्दू, हम उर्दू नहीं बोलते। ठीक है, अगर इसी इन्हीं जुमलों को अगर मैं सिंगुलर में ट्रांसलेट करूं तो ये आप देख लें, ही सॉरी शी डज नॉट, यहाँ पे डज आ जाएगा, डू नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। शी डज नॉट राइट उर्दू, वो उर्दू नहीं लिखती। देखें यहाँ पे एस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जुमला नेगेटिव है, एस हम पहले से ही यहाँ पे लगा चुके हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट पुटिंग एस हियर इन द फ्रंट ऑफ वर्ब। अगेन एक जुमला कर रहा हूं, इट डज नॉट लुक बेटर, ये दिखने में अच्छा नहीं है या दिखने में अच्छा नहीं होता। तो ये था नेगेटिव जुमलों को बनाने का तरीका। बाकी दो रह गए रूल्स जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, दो कौन से, एक इंट्रोगेटिव और प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, डू और डस पहले आ जाएगा, डू वी ईट बिरयानी, क्या हम बिरयानी खाते हैं, सवाल कर रहा है, डू पहले आ गया। सिंगुलर भी इसी तरह होगा, डस शी गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट जाती है, अगेन क्वेश्चन कर रहा है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चौथा टाइप बता रहा हूं, डज ही नॉट स्पीक उर्दू, क्या वो उर्दू नहीं बोलता, लेकिन सवाल भी कर रहा है और ना भी कर रहा है, क्या वो उर्दू नहीं बोलता। डू वी नॉट राइट इंग्लिश, हम क्या हम इंग्लिश नहीं लिखते, सवाल भी कर रहा है और ना भी कर रहा है। तो ये कुछ चार टाइप्स हैं जो प्रेजेंट सिंपल से कनेक्ट हैं। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट कर दें इस वीडियो के नीचे, तो फर्दर हम इसको अच्छी तरह और बेहतर तरीके से जो है ना समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।